दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग सिस्टर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर 2022 फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये वैकेंसीज़ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा MP। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर नर्सिंग सिस्टर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। आपको यहाँ पर MP ऑनलाइन की ये साइट खोल सकते हैं या फिर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी, तो वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से रूल बुक फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग सिस्टर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा MP GMK, तो यहाँ पर PDF को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज़ है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के 13 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में नियमित कार्यरत योग्य पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र MP ऑनलाइन द्वारा भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर पद का नाम नर्सिंग सिस्टर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, कुल ओपन पद 26 और यहाँ पर अनारक्षित 17, अनुसूचित जनजाति 5, अनुसूचित जाति 4। तो यहाँ पर पदोन्नति सीधी भर्ती रोस्टर का वर्गीकरण, यहाँ पर आपको न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में MSc नर्सिंग स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव होना है अथवा BSc नर्सिंग स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव, और यहाँ पर आपको महाकौशल नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकृत परिचारिका अथवा पंजीकृत प्रसाविका होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो 7वां वेतन मैट्रिक्स अनुसार 36,200 केवल 9। यहाँ पर आपको आरक्षण पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु आपकी 65 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर सामान्य शर्तें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अन्य अर्हताएँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अनारक्षित वर्ग हेतु यहाँ पर आपको कितना शुल्क लग रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले ये सारा जो नोटिफिकेशन है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेवाएं पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म 7/9/2022 से स्टार्ट है, आप इसे 6/10/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाइंग फॉर पोस्ट, तो यहाँ पर दोस्तों RU वर्किंग इन 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, ये फॉर्म जो मध्य प्रदेश के 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें जो कार्यरत है ये उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके यस करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई पोस्ट का नाम ही आ जाएगा। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट नेम आ जाएगा इस बॉक्स में, उसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका मदर्स नेम आएगा। अब यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी है आपकी। इस तरीके से यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन आएगा। यहाँ पर आपका जेंडर, मेल कैंडिडेट है आप या फीमेल कैंडिडेट है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको RU डोमिसाइल ऑफ MP, तो यहाँ पर आपको यस करना ज़रूरी है क्योंकि ये ओनली डोमिसाइल ऑफ MP के लिए हैं। यहाँ पर RU एक सर्विस मैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर आपको
आर यू फिजिकली हैंडीकेप है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर एक्टिव रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग, यहाँ पर अपना बैलेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको नर्सिंग काउंसलिंग का। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कर लेना है एमपी रोजगार कार्यालय में, तो वो यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है या अनमैरिड वो सेलेक्ट करेंगे, अगर मैरिड है तो यहाँ पर मैरिड डेट ये डिटेल्स दे देना है। लास्ट चाइल्ड बोर्न ट्विन अगर जुड़वा भाई बहन है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन, यहाँ पर 10th क्लास का जैसे क्वालिफिकेशन आपको पासिंग ईयर डाल देना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड का नाम डाल देना है इस तरीके से, यहाँ पर अपनी कॉलेज स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल देना है अपना इस तरीके से। यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल आ जाएगी, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी, बोर्ड नेम, यहाँ पर स्कूल नेम, कॉलेज का नाम, यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर आपको आपके पास में बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग है या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग है तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका नेम ऑफ द सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर पासिंग ईयर आएगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, यहाँ पर इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम, यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर आपका एमएससी है तो एमएससी नर्सिंग वो सेलेक्ट करेंगे अपनी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको डू यू हैव पास्ट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपने डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो यस कर सकते हैं, अगर प्राइवेट कॉलेज से किया है तो नहीं कर देना है। यहाँ पर दोस्तों डू यू हैव मिनिमम 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको यस करना है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको यस करके एक्सपीरियंस टाइप में प्राइवेट किया था या गवर्नमेंट वो सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेजिग्नेशन, यहाँ पर वर्किंग फ्रॉम, वर्किंग टिल, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर इस पर क्लिक करके और ऐड रिकॉर्ड करना चाहे तो यहाँ पर रिकॉर्ड और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम डालना है, यहाँ पर अपने एरिए का पिन कोड डालेंगे इस तरीके से, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस डब्बे पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको दोनों एड्रेस अलग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल दे देना है अगर देना चाहो तो, यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर बैंक का नेम, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, और यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड। उसके बाद में सिटी प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको सिटी प्रेफरेंस दे देना है, पहले कौन सी सिटी चाहिए इस तरीके से दोनों प्रेफरेंस दे देना है, और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करना है, और इस डब्बे पर आपको टिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों अटैचमेंट फोटोग्राफ, तो यहाँ पर आपका फोटोग्राफ अपलोड कर देना है, यहाँ पर क्लिक फॉर्मेट देख सकते हैं, ऊपर फोटो रहेगा, नीचे आपका सिग्नेचर, तो अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, चॉइस फाइल पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड कर देना है इस तरीके से, फ़ोटो को पकड़ के नीचे खींचना है, एडजस्ट कर लेना है और क्रॉप बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका फ़ोटो लग जाएगा। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एंटर ओटीपी, एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी डाल के आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करना है, तो ईमेल पर भी आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, तो इसको आपको कहीं पर लिख लेना है फिलहाल के लिए। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको यूजी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर 10th की मार्कशीट, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर 12th मार्कशीट, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपलोड बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो
सारे डॉक्यूमेंट के साइज रहेंगे वो 200 केबी से कम में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा तो अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो एक डॉक्यूमेंट है वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो अपलोड होने के बाद में यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली सबमिट करने से पहले एक बार चेकआउट कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स डाली है वो सही है। तो यहाँ से आपको अपने फॉर्म की जो फ़ीस लग रही है वो फ़ीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस फॉर्म की पेमेंट करना है तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद में इसका फ़िलहाल के लिए आपको प्रिंटआउट निकाल के रख लेना है। उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट किसी से भी अपने फॉर्म की पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जैसे अपने फॉर्म की फाइनली पेमेंट करेंगे तो आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो उसको आपको प्रिंटआउट निकाल के रख लेना है अपने पास में। तो दोस्तों इस तरीके से आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा MP रिक्वायरमेंट फॉर नर्सिंग सिस्टर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म अपने घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।